नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, परीक्षा मंथन की जो लक्ष्य 2017 के पार्ट हम देख रहे थे, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। और इसमें हम देखेंगे जो पिछले एक साल में हुआ है, पर्यावरण एवं जैव विविधता यानी एनवायरमेंट डाइवर्सिटी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हो, प्लस जो चिकित्सा से रिलेटेड है, मेडिकल से रिलेटेड है, वो चीज़ें देखेंगे। इसमें मेन समरी बताऊँगा मैं। इसमें देखिए, IPO एक फिनोमेना होता है, इंटर डिकेडल पैसिफिक ऑसिलेशन, ये होता है पैसिफिक ओशन में होता है, 50 डिग्री साउथ से लेके 50 डिग्री नॉर्थ के बीच में होता है, काफ़ी वाइड एरिया में होता है, और ये करीबन 10 से 30 साल तक होता रहता है, इसका जो टाइम पीरियड है करीबन। और देखिए, दो टाइप का होता है IPO, एक होता है पॉजिटिव, जब इसका पॉजिटिव वाला फेज आता है इंटर डिकेडल पैसिफिक ऑसिलेशन का, और एक होता है निगेटिव वाला फेज। जो पॉजिटिव वाला फेज होता है उसमें बोलते हैं कि ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और निगेटिव वाले फेज में अर्थ का टेम्परेचर स्टेबल हो जाता है। अब पॉजिटिव वाले फेज में होता क्या है कि जो इक्वेटर के अराउंड में पैसिफिक ओशन वाला एरिया है, वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसके नॉर्थ में और उसके साउथ में टेम्परेचर घट जाता है, और जो निगेटिव वाला फेज है उसमें उल्टा हो जाता है। तो ये आप समझ सकते हैं इंटर डिकेडल पैसिफिक ऑसिलेशन, और उसमें क्या क्या होता है ये सब बता दिया मैंने। अब इसमें बात यह है कि अभी एक जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स जनरल है ये ऑस्ट्रेलिया का, उसने बोला है कि अभी जो IPO चल रहा है, जैसे वो इस समय तक अभी 2014 तक चल रहा था निगेटिव वाला फेज, मतलब कि इसमें टेम्परेचर स्टेबल था, लेकिन 2014-15-16 में टेम्परेचर जो एवरेज है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, तो फिर ये समझ में आया कि अब ये IPO पॉजिटिव वाले फेज में आ सकता है, तो जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ जाएगा। ये जो टोटल इसकी न्यूज़ है जो इसमें लिखा है, उन सब का ये सारा मेन। तो बेसिकली बात ये है कि IPO से 2026 तक जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें, आप कि साइंटिस्ट ने बोला है कि IPO निगेटिव फेज में भी अगर ये अभी जैसे 2014-15-16 में तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा है, तो बोल रहे हैं कि पॉजिटिव फेज में आ सकता है, लेकिन अगर मान लिया निगेटिव में भी रहा तब भी 2031 तक तो 1.5 डिग्री सेल्सियस अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ना ही बढ़ना है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि IPO एक क्या है, ये समुद्री या फिर मौसमी परिघटना है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध के साथ साथ उत्तरी गोलार्ध, मतलब पूरा 50 डिग्री साउथ से लेके 50 डिग्री नॉर्थ तक को प्रभावित करता है, 10 से 30 साल में होता है ये, और ये लंबे समय तक रहता है, इसीलिए 10 से 30 साल तक होता है इंटर डिकेडल पैसिफिक ऑसिलेशन। ये है उसके बारे में सब कुछ जो मैंने बता दिया आपको समरी में। दूसरी चीज़ है, ग्रेट बैरियर रीफ का क्षरण हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे कोरल ब्लीचिंग हो रही है। लेकिन मेन इसमें बात जो याद रखने वाली है कि कोरल रीफ्स काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया है, जो ऑस्ट्रेलिया ऐसा कुछ बना हुआ है, इधर ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट वाले जो कोस्ट में वहाँ भी कई सारी रीफ्स हैं, और अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया के इधर नॉर्थ ईस्ट में आप देखें तो ग्रेट बैरियर रीफ भी हैं लोकेटेड। ये वर्ल्ड की सबसे लंबी कोरल रीफ मानी जाती हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है ये, बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब ये खबर आई है इसमें कि जो ईस्ट ऑस्ट्रेलिया है, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया की करीबन 2/3 जो इसमें ये कोरल रीफ है, इनकी ब्लीचिंग हो रही है और ये घटती जा रही है। दूसरी बात ये कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है, GBR है, उसकी करीबन 90% से ज़्यादा जो रीफ है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है और उसमें कोरल ब्लीचिंग हो चुकी है। मेन रीजन जो कोरल ब्लीचिंग का क्या है, मेन कौन कौन से इसमें कारण है, वो है पहला ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज, प्लस उसकी वजह से जो सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाता है, और प्लस उसकी वजह से जो ओशियन का एसिडिफिकेशन बढ़ जाता है यानी कि अम्लीकरण बढ़ जाता है। तो वही सब इसमें लिखा हुआ है कि ग्रेट बैरियर रीफ का क्षरण हो रहा है, कोरल ब्लीचिंग हो रही है, उसकी वजह से रीफ घटते जा रहे हैं। अब देखिए, इसमें ये है कि जैसे जो इसमें कोरल रीफ में होता है, कोरल रीफ एक होता है और उसमें एक ज़ूज़ैंथले होता है, तो कोरल रीफ जो दिखती हैं उसके जो एक ज़ूज़ैंथले वाला पार्ट होता है वो होता है सहजीवी शैवाल होता है वो, और यही शैवाल है ये उनको, जो कोरल रीफ है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो जब ब्लीचिंग होती है इसमें, देखिए इनकी कई सारी एवरेज ये कंडीशन भी होती है कि एवरेज सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, वो सब हम देख लेंगे अलग वीडियो में, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि ज़ूज़ैंथले जो होता है वो इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और ये ज़ूज़ैंथले जो है ये बाहर निकल जाते हैं तो इनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है कोरल का, तो इसीलिए
जो रंग बिरंगे कोरल होते हैं वो अपना कलर लूज कर देते हैं, कलरलेस हो जाते हैं। और ये 4 बार अभी तक ग्रेट बैरियर रीफ का क्षरण दर्ज किया गया है, मतलब कि ये डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, लगातार घटते जा रहे हैं। 1998 में, 2002 में, 2016, 2017 में और 2016 में जो ये क्षरण हुआ है वो अल नीनो और जो उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल जो साइक्लोन आया था डेबी के कारण हुआ है। लेकिन नेक्स्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि भारत में जो वन पशुओं की संख्या पे रिपोर्ट आई है और ये बिल्कुल पूछा जाने का उम्मीद है, ये की है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने जारी की है। अब देखिए इसमें मेन चीज़ जो बात याद रखने वाली वो मैं बताता हूँ। पहली बात तो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर कहाँ पे है, किस स्टेट में है, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर है कर्नाटका में। कितने टाइगर हैं? 406। और सेकेंड हाइएस्ट किस में है? सेकेंड हाइएस्ट टाइगर किस स्टेट में है? वो है उत्तराखंड में। तो ये दो तो आप याद ही रख लीजिए कि फर्स्ट सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे है इंडिया में, कर्नाटक में, और सेकंड हाईएस्ट है उत्तराखंड में। और अगर आप देखें कि सबसे ज़्यादा एलिफेंट यानी कि हाथी कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा हाथी है केरला में, करीबन है ये 6182। और जो सेकंड वाले सेकंड नंबर पे हाथी हैं वो है कर्नाटका में। और सबसे ज़्यादा राइनोसर्स यानी कि जो गैंडे हैं वो कहाँ पे हैं, वो हैं असम में, ये करीबन है 2600। और सेकंड नंबर पे जो राइनोसर्स हैं वो है वेस्ट बंगाल में, करीबन 255। तो ये आप याद रखिए, सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे हैं, सबसे ज़्यादा टाइगर है कर्नाटक 406 और उसके बाद उत्तराखंड। सबसे ज़्यादा एलिफेंट कहाँ पे हैं, सबसे ज़्यादा एलिफेंट है केरल में, करीबन 6100 और उससे उस सेकंड नंबर पे कर्नाटक में। सबसे ज़्यादा जो राइनोसर्स हैं गैंडे हैं वो कहाँ पे है, असम में है, उस नंबर सेकंड पे है वेस्ट बंगाल। तो ये तीनों चीज़ याद हो गई। अब इन तीनों चीज़ों को अगर मतलब तीनों जो टाइगर प्लस जो एलिफेंट है प्लस राइनोसर्स है इन तीनों को मिला के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो असम में है, सबसे ज़्यादा असम में, नंबर सेकंड पे कर्नाटक है, थर्ड पे तमिलनाडु, फोर्थ पे है ये सॉरी थर्ड पे केरल है, फोर्थ पे तमिलनाडु है। और उसके बाद अगर जैव विविधता संरक्षित क्षेत्रों में इन पशुओं का मैक्सिमम डेंसिटी देखेंगे तो मेघालय में, मतलब करीबन 5.5 इसमें एनिमल हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। नेक्स्ट है इसमें जो ये ट्री स्पीसीज है उनका एक ग्लोबल डेटाबेस आया है, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए हुए हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है याद रखने के लिए, आप याद रख सकते हैं इसको। देखिए इसमें मेन बात यह है कि जो इसमें डेटाबेस है ट्री स्पीसीज का है ये अभी तक का सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड बोला जा रहा है, सबसे ज़्यादा व्यापक है ये और ये ग्लोबल लेवल पे सबसे ज़्यादा व्यापक डेटा व्यापक है, मतलब बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है डेटाबेस पूरी दुनिया में। इस समय अगर आप देखें तो टोटल ट्रीज कितने मापे गए हैं, 60,000 करीबन 60,065 मापे गए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो ट्रीज हैं वो कहाँ पे हैं, ब्राज़ील में, ये याद रखिएगा सबसे ज़्यादा है कहाँ पे, ब्राज़ील में। और सेकंड नंबर पे कहाँ पे हैं, सेकंड नंबर पे हैं कोलंबिया में, ये आप याद रखिए, इतना आपको टॉप 10 नहीं याद रखना है। 6 नंबर पे चाइना में है, इंडिया टॉप 10 में नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये ग्लोबल ट्री रिसर्च द फर्स्ट कंप्लीट डेटाबेस ऑफ ट्री स्पीसीज एंड कंट्री डिस्ट्रीब्यूशन नाम की एक रिपोर्ट थी जिसमें पूरा ट्री स्पीसीज का डेटाबेस दिया हुआ है। USA इसमें लास्ट नंबर पे है, जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने बता दी। तो जो वृक्ष प्रजाति यानी कि ट्री स्पीसीज का ये ग्लोबल डेटाबेस है किसने किया है, जर्नल ऑफ सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री में, और ये किसने किया है जो ब्रिटेन की है, बोटेनिकल गार्डन कंजर्वेशन इंटरनेशनल, रिपोर्ट का नाम भी बता दिया, ये काफ़ी बड़ा सा नाम है। इसमें टोटल विश्व भर में कितने ट्रीज हैं, 60,065, और ये जो टोटल एंजियोस्पर्म्स हैं और जो जिम्नोस्पर्म्स हैं स्पर्म्स हैं उनका ये 20% है। सबसे ज़्यादा वृक्षों की सर्वाधिक प्रजाति वाला देश कहाँ पे है, कौन सा है, ब्राज़ील है सब सेकंड नंबर पे, कोलंबिया, थर्ड नंबर पे इंडोनेशिया, फोर्थ नंबर पे मलेशिया, 5 नंबर पे वेनेजुएला है, 6 नंबर पे चाइना है और इंडिया टॉप 10 में भी नहीं है। सबसे कम प्रजातियों वाला जो देश है वो है अमेरिका। 2 साल का इसमें पूरा इसमें हुआ था अध्ययन और फिर बना, ये काफ़ी ज़्यादा वाइड है ये ग्लोबल डेटाबेस। इसमें देखिए और भी कुछ बातें कही गई हैं कि जो विश्व भर में करीबन वृक्ष प्रजातियाँ हैं इनका 40% केवल टॉप 10 कंट्रीज में से है, सॉरी जो 40% है वो सिर्फ ये तीन, ये जो है ये जो लेगुमिनोज है, ये रूबियासिया है और ये इन कैटेगरीज में से है। और इसमें बोल रहे हैं कि 300 प्रजातियाँ अभी ये खतरे में है
इतनी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे, बस ये याद रखिए मेरे हिसाब से ब्राजील में सबसे ज्यादा ट्रीज है, ट्री स्पीसीज है ब्राजील में करीबन 8,715। सेकंड नंबर पे कोलंबिया, चाइना सिक्स नंबर पे है, इंडिया टॉप 10 में भी नहीं है। फिर इसमें नेक्स्ट न्यूज, चीता विलुप्ति के कगार पर, चीता की जो वो पॉपुलेशन वो खत्म होते जा रही है, और ये रिपोर्ट है किसकी, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, और ये है पंथरा एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ने रिपोर्ट की है। इन्होंने बोला है कि पिछले 110 सालों में इनकी जो पॉपुलेशन है 91% से भी ज़्यादा समाप्त हो चुकी है, और 1900 के बाद अगर आप देखें तो 1900 में देखिए जो चीतों की आबादी थी, चीते कितने थे, 1,00,000 थे, इस समय सिर्फ 7100 हैं, और एशिया में सिर्फ ईरान में है 50 चीते। नेक्स्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, BS4 से रिलेटेड है ये। देखिए सबसे पहले तो इसमें आप ये याद रख सकते हैं जो BS होता है यानी कि भारत स्टेज नॉर्म्स होते हैं, और ये जो हमारे यहाँ पे इंडिया में जितने भी व्हीकल्स चलते हैं, कार्स जो कार चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, उसमें से जो निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, नॉक्स गैसेस होती है यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वाली, सल्फर वाली जो ऑक्साइड्स होती है, और प्लस जो पार्टिकुलेट मटेरियल है उसको ये मेज़र करता है भारत स्टेज, उसी के लिए स्टैंडर्ड बनाया गया है। ये बनाया गया था, देखिए हम लोग फॉलो करते हैं यूरो को, तो यूरो 1 आया था करीबन 1993 में, लेकिन हम थोड़ा लेट हुए और थोड़ा सा उनसे लेट चल रहे हैं, वहाँ पे तो यूरो 6 2014 में ही आ गया था। हम अभी तक, अभी हमारे यहाँ क्या हुआ है कि BS4 बोला गया है, BS4 अब 1 अप्रैल 2017 से कोई भी गाड़ी BS4 के अलावा नहीं बिकेगी, तो BS4 पूरी तरह से इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दिया गया है 1 अप्रैल 2017 से। और ये बोला गया है कि BS4 से BS5 नहीं आएगा, डायरेक्ट हम लीप फ्रॉक कर देंगे और BS6 पे आ जाएंगे, ये आएगा 1 अप्रैल 2020 से। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा कि BS4, देखिए डेट ना याद रखिए, बस मेन चीज़ जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ, BS4 पूरी तरह से इंडिया में इंप्लीमेंट होगा कब से, 1 अप्रैल 2017, और BS6 आएगा इसके बाद, BS5 नहीं आएगा, वो हो जाएगा 1 अप्रैल 2020 से। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रख लीजिए, बस बाकी इसमें यही सब लिखा हुआ है कि चालू कहाँ से हुआ, भुवनेश्वर उड़ीसा से पेट्रोलियम मिनिस्टर ने बोला ये, और इसी के साथ ये जो फ्यूल है वो कंपेटिबल टू BS4 ही बेचा जाएगा, ये आप याद रख सकते हैं। देखिए राजकुमार जी को नोट से ये मैं बताना भूल गया था शुरू में, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि अब 1 अप्रैल से सिर्फ BS4 वाले जो वाहन है वही बिकेंगे, BS5 वाले नहीं किए जाएंगे, BS5 नहीं आएगा, BS6 हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे 1 अप्रैल 2020 से। तो ये 2016 में ही निर्णय लिया गया था। अब देखिए BS4 में क्या क्या मॉनिटर होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नॉक्स गैसेस, सल्फर ऑक्साइड, और ये जो पर्टिकुलर मटेरियल है मैं पहले ही बता चुका हूँ, और इसमें जो BS4 है इसमें जो फ्यूल है उसमें सल्फर की जो मात्रा है वो 50 PPM है यानी कि पार्ट पर मिलियन। BS1 आया था पूरी तरह से इंडिया में 2000 में, BS2 आया था 2005 में, BS3 आया 2010 में, BS4 आया 2017 में 1 अप्रैल, और BS6 आएगा 1 अप्रैल 2020 में। और इसमें एक चीज़ और है कि ये जो भुवनेश्वर में ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो रिलेटेड है LPG फ्री कनेक्शन वाले, उनका 2 करोड़वा जो कनेक्शन दिया है वो दिया है स्वालिया बीवी भुवनेश्वर की है, 1 अप्रैल 2017 को मिला इनको, शिखारचंद बस्ती की है ये। तो ये है इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़, नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।